भाई साहब खड़े हैं, कुर्सी खाली पड़ी है, जगह खाली पड़ी हुई है। ये आप लोगों के लिए बहुत खुशी का माहौल है कि यहाँ दूर दूर से लोग आपके गांव के अंदर आए हुए हैं। भोजन भी चल रहा है, माता बहनें जितनी हमारी आई हैं वो इधर को आ जाएं। थोड़ी थोड़ी सी जिन्होंने देवी मैया ना धोके वो हाथ उठा दें, देवी मैया जिन्होंने ना धोके वो हाथ उठा दें, जिन्होंने ना धोके। एक दो तीन चार पांच, बाकी सब देवी मैया बड़ा चपेटा, ये है मैया तेरा ही बेटा है। सुरेंद्र प्रधान जी हमारे बीच आ चुके हैं, उनका भी हम तहे दिल से अभिनंदन और वंदन करते हैं। और मेरे सभी साथियों से निवेदन है, प्रतीक बोध जी जितने भी साथी हमारे इधर उधर खड़े हैं वो सब लोग स्वाधीनता के साथ, जितने लोग गेट पर खड़े हैं वो इधर आएंगे पंडाल के अंदर तो थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा, क्योंकि शॉर्टकट में बात करूंगा। माता जी देवी मैया मेरी तो ही है मैया, थोड़ी देर ध्यान दे ले, बस उसके बाद में फिर क्या होता है हमारे लिए कि सांपों की सभा में जीत की लपालप होती है, लपालप एक दूसरे की सुनेगा नहीं। और हमारी खासियत है कि एक काम कुछ जानते नहीं और दूसरे हम किसी की मानते नहीं। चार महीने पहले जब यहाँ बुद्ध विहार था, लॉकडाउन चल रहा था, तो मैं यहां से निकल रहा था, जगदीश बोध जी जो है हमारे उनके साथ में चाय पी के जा रहा था, प्रतीक बोध जी है हमारे साथ में, तो मैंने देखा कि बुद्ध विहार ये बंद पड़ा हुआ है। मैंने भंते जी से निवेदन करा, मैंने वो खुलवाया, तो यह चार महीने से उसके अंदर झाड़ू नहीं लगी। पूरी वीडियो बनाई मैंने, यूट्यूब पे डाली, अभी भी पड़ी हुई है वो। यह 400-500 गांव घर हैं हमारे, आप सब हमारी माता बहने बैठी हैं, और पूज्य भिक्खु संघ आपके यहाँ वर्षावास कर रहे हैं। बाहर से आज पूरी दुनिया के अंदर ये गांव अमर हो जाएगा, पूरी दुनिया में सम्मान एक अधिकार यूट्यूब चैनल आप सब लोग सब्सक्राइब करेंगे, घंटी का बटन दबाएंगे, बाबा साहब भगवान बुद्ध की जितनी भी विचारधारा है उस पर आप सब लोग देखेंगे। हमें बड़ा अफसोस लगा कि एक भिक्खु हमारे यहाँ है और 34वां वर्षावास है और यहाँ बुद्ध विहार बंद पड़ा है, जाले लग रहे हैं। इतना अच्छा बुद्ध विहार बना हुआ, हमने अपना प्रण करा, बनते से निवेदन करा, तो मैं आयोजक मंडल का और समस्त ग्रामवासियों का तहे दिल से साधुवाद करता हूं। बनते की आज्ञा आप लोगों को माननी है, जरूर माननी है, ये हमारा सब लोगों का प्रयास है, क्योंकि जो लोग अपने धर्म गुरुओं का सम्मान नहीं करते उनका पतन होने से दुनिया में कोई नहीं बचा सकता। चाहे आप कितने पढ़ लो लिख लो, अभी बहुत सारे विद्वान आए जो बोल रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, गांव गांव जा जा जाकर, उनका सिर्फ एक ही मकसद है, अपना मकसद कोई नहीं है कि हम सब लोग इस देश के अंदर अगर सांस ले रहे हैं तो शॉर्टकट में एक बात है, उस सांस केवल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बदौलत है। दुनिया में सरस्वती हो, काली हो, शेरावाली हो, देवी मैया, कितनी भी मैया और कितने पिताजी पैदा हो गए, सब हमारे मसीहा बने, लेकिन कष्ट हमारे किसी पे नहीं कटे। तो आप सब लोगों से मेरा ये बार बार निवेदन है कि बुद्ध विहार में आया करें, जैसा मजा आया ना शेर पे सवार होके आ जा शेरावाली है, अगर शेर आकर रुक जाओगे अपने घरों में, अभी नवरात्र मनाए तुमसे कहेगी ना, कल को भैया तो हो जाए, जेब में पैसे नहीं होंगे लेकिन जाएंगे हम जरूर। कोई आदमी नहीं कह रहा मैं, अगर कोई आदमी ये कहता हो ब्राह्मणवाद तुम्हारे ऊपर जबरदस्ती थोपा जा रहा है तो वो बेवकूफ बना रहा है दुनिया का। कोई ब्राह्मण हमारे घर में कहने नहीं आता कि तुम जो है जागरण करो, नवरात्रि मनाओ या कुछ भी मनाओ, हम एक नंबर के लालची और एक नंबर के आलसी। हमारे बुजुर्गों ने जो अनपढ़ होने के बाद में सोचा कि हम रईस कैसे बनेंगे, तो उन्होंने तो परंपरा को ढोना शुरू कर दिया, लेकिन हमारा पढ़ा लिखा व्यक्ति तर्क तर्क ही नहीं कर रहा। मैं कहा है भैंस की टट्टी पूछती है क्या दुनिया में, कहीं पूछती है कहीं
अमेरिका, जापान, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया 9 दिन के भुक्के रहे हैं देवी मैया। 5-7 कीड़े तो हो गए, एक कीड़ा और देते हैं लोग पकड़, कीड़े पे कीड़े है देवी मैया ने, कीड़े कीड़े कीड़ों की तरह पैदा हो रहे, कीड़ों की तरह मर रहे, कीड़ों की तरह कोई गिनती नहीं है हमारी। कोई मुंह पर रैपिड मार के चला जाओ, कोई हमारा आरक्षण काट दो, कोई दिक्कत ही नहीं हो रही हमारी। इस बुद्ध विहार का नाम पूरी दुनिया में जा रहा है, और आप सबसे मेरा निवेदन है, जितने भी साथी यहाँ है, निसंकोच निस्वार्थ आप सब लोग परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात को मानो, उसे धारण करो, तभी हमारा विकास होगा। अपने टोटल पैसे अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर लगाओ। किस्मत खराब नहीं है, इस समाज की बुद्धि खराब है। बुद्धि तो ज्यादा नहीं कहते हुए, सब पढ़ी लिखी है। आप सब लोगों को धन्यवाद। फिर कभी आएंगे हम, यहाँ कैडर लगाएंगे। आज प्रोग्राम बनते जी का है। सभी को नमो बुद्धाय, जय भी।